बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद ज़ाहिद कुरैशी साहब, सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, सरदार एहसन अब्बासी साहब सीनियर नायब सदर, जनाब अकील अब्बासी साहब नायब सदर अराकीन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिन लोगों को अवार्ड मिले हैं, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मुझे बड़ी खुशी है कि आपका पाँचवा अवार्ड आज सेरेमनी इसकी हुई और लोगों को इनाम दिए गए, इसलिए कि उन्होंने अपने शोबों के अंदर और अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर और स्मॉल ट्रेडर्स के हवाले से नुमाया कामयाबी हासिल की। माशरे के अंदर अगर रिकग्निशन हो तो इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि दूसरे इनको फॉलो करें, और यही रिकग्निशन इनकी हिम्मत अफजाई भी है और साथ साथ ऐसा भी है कि दूसरे जिनको अवार्ड मिलेगा इंशाल्लाह, मेहनत करते रहेंगे तो उनको भी अवार्ड मिलेगा। तो ये रिकग्निशन दुनिया में इंसान के साथ हमेशा बचपन से लेकर चलता है कि बेटा अच्छा काम किया है। उसके बाद जितनी स्ट्रगल करता है आदमी अपनी तालीम के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, तो एक रिवॉर्ड तो ये होता है कि उसकी कमाई बढ़ जाती है, दूसरा रिवॉर्ड ये होता है कि वो महसूस करता है कि उसकी ताकत माशरे में अच्छा काम करने के लिए बढ़ गई, और तीसरा ये कि अगर उसके अंदर कार खैर का अंसर भी शामिल हो तो इस बात का रिवॉर्ड मिलता है कि अल्लाह के यहाँ भी वो खुशनुदी हासिल करे। क्योंकि हमें कभी कभी ये एहसास नहीं रहता कि ये मेरा माल है या अमानत है, और अमानत की अक्कासी इस मामला से बड़ी क्लियर हो जाती है कि जितना माल वो अपने माँ बाप का अपने सर पर ढोता है और कुछ और उसमें इजाफा करता है, जब रुख्सत होता है तो वो सारा माल छोड़कर ही रुख्सत होता है। तो ये एक कैफियत ऐसी है जिसके अंदर इंसान अगर सोचे तो उसके लिए उसके अंदर भला ही होगा। तिजारत, जाहिर है आप लोगों ने खुद ही इस बात की तशरीह कर दी कि नबियों का शेवा रहा। एक आर्किटेक्ट था स्विट्ज़रलैंड में, तो मैंने जब उसकी किताब पढ़ी तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि रोज़ाना सुबह अंधेरे में उठकर वो बकरियां चराता था, और बड़ा आर्किटेक्ट था। तो लोगों ने जब उसको पूछा तो उसने कहा कि पैगंबरों का शेवा यही है, सब पैगंबरों ने ये काम ज़रूर किया है। इसी तरह से तिजारत भी पैगंबरों का शेवा है, और कुरान के अंदर जिस आयत की तिलावत भी हुई वो भी इस बात की अक्कासी करता है कि तिजारत एक नोबल प्रोफेशन है, मगर हर पेशे के अंदर अच्छाई और बुराई डाल सकते हैं आप, और अच्छाई और बुराई का वज़न आप खुद तोल सकते हैं, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, आपका ज़मीर जागा रहता है, बताता रहता है, और आपका शैतान भी जागा रहता है और बताता रहता है और रास्ते दिखाता रहता है। कोई माशरा ऐसा नहीं है जिसके अंदर इंसान को अगर मौका मिले तो छुप कर वो बेईमानी ना करे, कोई माशरा ऐसा नहीं है, चाहे वो चर्च ही क्यों ना हो जहाँ पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, चाहे वो कोई कारोबार क्यों ना हो जहाँ छुप कर कोई गलत काम करने का इम्कान है, तो माशरे के अंदर इंसानों के अंदर वो कमज़ोरी आया हो जाती है जो अल्लाह ताला ने एक बिल्डिंग भी की हुई है कि ये तगो दौ मेरी और आपकी मुसलसल ज़िंदगी भर रहेगी, कि हम उस कैफियत को कमज़ोर करते चले जाएँ और अच्छाई की कैफियत को अपने अमल के अंदर बढ़ाते चले जाएँ। इसी के अंदर कारोबार है, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी आपको हदीस मिलेंगी कि जिसके अंदर इस बात की ताकीद की गई कि इसके अंदर, और कुरान की आयात भी मौजूद है कि इसके अंदर तराजू हल्का ना करो, तराजू के अंदर गड़बड़ ना करो, दिखाओ कुछ दो कुछ। इस बात की हुजूर बाजार में भी गए तो कुछ फल ऐसे रखे हुए थे जिसके नीचे अंदर फल या सब्जी, जिसके अंदर ख़राब फल था और ऊपर अच्छा फल दिखाकर उसको बेचा जा रहा था, तो उन्होंने उस बात को तनकीद का निशाना बनाया कि माशरे ऐसे कामयाब नहीं होते। अच्छा, मगर दुनिया ने क्या किया, मैं चाहता हूँ आप सीखें। तो पाकिस्तान का अगर स्टैंप आप लगाना चाहते हैं किसी चीज़ पर, तो दुनिया के अंदर जिस चीज़ की कसर है उस पर स्टैंप लगाइए, यानी जो माल बहुत आम है उसके अंदर आपका माल भी शामिल हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया ने ये स्टैंप लगाना शुरू किया ऑनेस्टी इन ट्रेडिंग का, और इतनी ऑनेस्टी उन्होंने कही कि यार अगर मैंने कोई माल बेचा और लोग किसी को पसंद नहीं आया तो इसको दुनिया ने आसान बनाया कि पसंद नहीं आया तो वापस कर लो, और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बिल्ड इन कर लिया। अमेज़ॉन है, बहुत सारे इदारे हैं दुनिया के,
उन्होंने इसको बिल्ड इन कर लिया कि भाई पसंद नहीं आया 10 दिन के अंदर तुम वापस कर देना, कोई भी खामी बताओगे तो उस पर बहस नहीं करेंगे। यहां तो आमतौर पर बहस होती है, मगर एक जो फेयर प्ले ऑफ ट्रेडिंग दुनिया ने जो सीख ली है वो इसीलिए सीखी है कि इंसान मुतमइन हो कि जो चीज उसने ली है उस पर उसका वो खुश है, नहीं खुश है वापस कर दो। अच्छा, उस वापसी के अंदर मेरा ख्याल से अल्टीमेटली माशरे जब करते रहते हैं तो 2-3% 4% वापसी होती है, मगर तिजारत वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है कि ट्रस्टवर्दी कैफियत है, मंगा लो मंगा लो मंगा लो मंगा लो, तो लिहाजा जमाना जो है वो यूटिलिटेरियन, या वो यूटिलिटेरियन कह लीजिए जो कुछ भी कह लीजिए, कि वो खरीदो फरोख्त का ज्यादा कि खरीदो 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 माल खरीदो, लिहाजा एम्प्लॉयमेंट, लिहाजा कारोबार, लिहाजा सर्कुलेशन ऑफ मनी ये बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। ये ट्रस्ट के कैफियत के अंदर इंश्योरेंस ने भी रोल प्ले किया, बल्कि बड़े पुराने जमाने में वेनिस के अंदर इंश्योरेंस शुरू हुई, इस बात की इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, साइलेंट पार्टनर्स वाला इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ जो पहले नहीं होता था साइलेंट पार्टनर्स के एतबार से। और मुसलमानों के यहाँ तो तिजारत औरतें भी करती रही हैं। मुझे आपसे, मैं हर चैम्बर से ये बात गुजारिश करता हूँ कि यहाँ तो बहुत ही कम है, कोई खास बात बहुत ही कम है ना, कम, यही मैं कह रहा हूँ कम है। लिहाजा मैं सवाल करना चाहता हूँ कि इसकी कोई खास वजह है क्या, या आप लोग डिस्करेज करते हैं? तो लिहाजा ये सोचने का मामला है, क्यों क्यों नहीं है। यानी बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे बैठे हुए जिनके मर्द औलाद भी यहां बैठी होगी और वो कारोबार लेकर चलेगी, और आपने खुद वजाहत की यहां पर कुछ लोगों की कि जी इनके वालिद साहब भी करते थे कारोबार। अच्छा, तो मैं हर चैम्बर से पूछता हूं कि औरतों को साइडलाइन किसी खास वजह से किया हुआ है और नहीं किया हुआ, तो सबसे बेहतर कारोबार यह है कि आपके घर की बहुएं और बेटियां कारोबार में जब आपके साथ शरीक होंगी तो आप वो मामलात तय करेंगे अपनी दुकानों पर और अपनी इंडस्ट्रीज पर में, जिसके अंदर वो हिरासा ना हो, जिसके अंदर उनकी सिक्योरिटी हो। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यानी किसी और को ठेके पर दे दिया है क्या आपने कि जी माशरा करेगा, हम सिर्फ तकरीरें करेंगे? मतलब आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस इट इन योर ओन एस्टेब्लिशमेंट। कायदे आजम कहते रहे कि औरतों का हिस्सा होना चाहिए, इतना बड़ा क्वांटम है 52% या 51% और वो गायब है असल साइकिल से। इवन स्मॉल तिजारत से गायब है, यानी बड़ी इंडस्ट्रीज को तो छोड़ें, स्मॉल तिजारत से भी गायब है। लिहाजा या तो हमारे माशरे में एक्चुअल डिस्करेजमेंट है कि औरत बाहर जाकर काम नहीं करेगी, उस माशरे के अंदर डिस्करेजमेंट है जिसके अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा बीबी खदीजा अगर तिजारत करती थी तो किस बात का डिस्करेजमेंट है? और आपकी जिम्मेदारी है कि माहौल को अच्छा करें ताकि वो लोग, औरतें इस बात से इत्मीनान के साथ, उनके माँ बाप और आप खुद जब मौजूद हैं अपने कारोबार के अंदर, कि आप इत्मीनान से वो माहौल क्रिएट करें। तो लिहाजा आइंदा के लिए, मतलब ये हवा में नहीं जानी चाहिए बातें, मैं आइंदा के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद चैम्बर के स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के, इससे ज्यादा कितना स्मॉल होगा जब औरत शामिल होगी। और किसको मैं कहूंगा, यानी यह कानून पास कर दिया जाए कि हर दुकान पर एक औरत बैठेगी, क्या करें हम है? लिहाजा मैं, अच्छा क्या चीजें इसमें माने होती हैं? माने ये यकीनन ये बात होती है, मैं आपको एक तकलीफ का इजहार कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर ख्वातीन मेडिकल कॉलेजेस में जाती हैं और कानून ये है कि सबको बराबर ट्रीट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 की दहाई के अंदर ये कानून पास किया कि सबके एडमिशन्स होने चाहिए। 80% लड़कियाँ मेहनत करके अच्छे नंबर लेकर मेडिकल कॉलेजेस में चली जाती हैं, 80%, और उसमें से 50% कभी काम ही नहीं करती, अच्छी शादियाँ हो जाती हैं, दैट्स इट। तो या तो उनके वालिदैन ये चाहते हैं कि भाई बस तालीम मिल जाए और उसके बाद शादी हो, या उनके शौहर ये चाहते हैं। तो माशरा हमारा ही है, आप ही लोग वालिदैन भी हैं और आप ही लोग शौहर भी हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ बाज इंडस्ट्रीज ने बड़ी कोशिश की, और मैं आपकी याद दहानी कर दूँ, आपको कुछ तरकीबें बता दूँ कि बाज इंडस्ट्रीज में, सियालकोट में गारमेंट इंडस्ट्री में, उन्होंने सिक्योरिटी का भी एहतमाम किया। उन्होंने ये किया कि घर से ट्रांसपोर्ट लेकर आएगी और घर छोड़ेगी,
और कोई हिरासानगी का इम्कान नहीं है। तो नतीजा ये है कि माँ बाप भी मुतमईन है कि भाई ट्रांसपोर्ट भी सेफ है, वो माहौल भी सेफ है और वो काम करके वापस भी आती हैं। एक तो ये हमें करना चाहिए कि मूवमेंट आसान बनाया जाए। दूसरे ये कि हुकूमतों ने, सारी हुकूमतों ने कोशिश की, कायद आज़म की बीवी जो थी मरियम जिना है ना, उनको हर जगह साथ लेकर जाते थे, बीवी उनके बाद बीवी फातिमा जिना को हर जगह लेकर साथ जाते थे, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर डिजिटल इंक्लूजन के लिए हुकूमतों ने कोशिश की है कि औरत को इंक्लूड किया जाए, घर बैठे बैठे अकाउंट खोलने की सहूलत भी आ गई। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि मीडिया के अंदर भी रोल होना चाहिए कि इनकरेजमेंट करें और रोल मॉडल्स होने चाहिए। आपको, आप जो अच्छा कारोबार कर रहे हैं आप लोगों के लिए रोल मॉडल बनते हैं। कभी कभी तो एक ज़माना था कि चीज़ें छुपाई जाती थी कि हमारा ग्राहक कौन है, मगर अब इंटरनेट के ज़माने में तो ग्राहक दुनिया में मौजूद हैं। तो मिसाल के तौर पर औरत को भी मर्द को भी, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की कोर्सेज ले रहे हैं तो एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि उनको जो काम भी करे उस बच्चे के लिए, उस बच्ची के लिए, उसकी सेल्स फोर्स के साथ लिंकेज भी इंतहा ज़रूरी है। अगर वो कोई घर में बैठकर काम कर रहा है, लेकिन 70% मईशत डिपेंड करती है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर, 70%। इट्स नॉट द बिग इंडस्ट्री, 70% चाइना की, किसी दुनिया का किसी कोई मुल्क उठा लें तो स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो मेजॉरिटी काम जो है वो वहाँ पर होता है। अच्छा, उसके फ़रोग के लिए दो चार चीज़ें और भी आया है, आपने खुद जिक्र किया बड़ा अच्छा कि FDR और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, और ये बड़ी अहम बात आपने की कि सरकार का काम यह है कि वो सड़कें बनाए, इंटेलेक्चुअल आपके रास्ते खोले जिसके अंदर आपके लिए रुकावटें ना, आप खुल कर काम कर सकें, यह आपकी ख्वाहिश है, ठीक है ना। अच्छा, जो आपने खुद यहाँ बयान फरमाया कि टैक्स भी देना चाहते हैं, तो ये जो डिजिटाइजेशन होगी आहिस्ता आहिस्ता एवरीथिंग विल बिकम ट्रांसपेरेंट, तो टैक्सेशन का इनकम इम्कान भी बढ़ जाएगा। वरना होता क्या है, अगर टैक्स रिलेटेड टू इनकम नहीं हो तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ जाता है, जिसमें वो आदमी जो सैलाब से मुतासर है अगर उसके पास फोन है तो वो भी विदहोल्डिंग टैक्स दे रहा है और उसको वो रिफंड नहीं होता, वो भी विदहोल्डिंग टैक्स दे रहा है बेचारा। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है क्योंकि ये आसान है। अच्छा, क्यों आसान है? क्योंकि ये इदारे हमारे नहीं है, ये मल्टीनेशनल्स हैं, ये बड़ा ओपन उनका मीटर चलता है, मीटर के अंदर धांधली नहीं होती, तो लिहाजा टैक्स कर दो यहाँ से पैसा फौरन आएगा। इसी तरह से पेट्रोल डीजल पर टैक्स कर दो पैसा फौरन आएगा क्योंकि वो भी मीटर चल रहा है। अच्छा, जहां ये मामला आया कि कोई अपने इदारों को डायरेक्ट टैक्सेशन करें तो वहां कोई ऐसा मीटर नहीं है, करप्शन है और आपके लिए परेशानी का बायस है कि एक मरतबा आप टैक्स फाइलर बने तो इस बात का इम्कान है कि आप परेशान होते रहें, रिश्वत का बाजार गर्म हो जाए और आप अब बुक्स रखें। कोई बड़ा आसान क्या है यार, आसान तो हिसाब, जब से तिजारत हो रही है जब से लोग हिसाब रख रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड हिसाब होना भी नहीं चाहिए। भाई पैसा बनाए ना, इनकम हुई ना, उसके ऊपर टैक्सेशन होना चाहिए है? मगर इस बात पर बहस जरूर करें आप लोग कि टैक्स कितना होना चाहिए, नॉट द फैक्ट कि आपके ट्रांसपेरेंसी और बुक्स रखने के एतबार से आप ना रखें, यह गलत अप्रोच है। अप्रोच ये कि जी हमारे पर टैक्स कम करें, ठीक है ना, है? मगर ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी है। अच्छा जी, मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि इस वक्त स्किल्स के हवाले से आप लोग कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर भी कि आप लोगों को स्किल्स दें कारोबार के हवाले से बढ़ाने के लिए। अच्छा, स्किल्स को भी सेल्स फोर्स के साथ अगर नहीं लिंक करेंगे तो वो स्किल्स नहीं चलेंगी। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये आसानी पैदा हुई, दुनिया के अंदर आप सामान अपना बेच सकते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अमेज़न इज़ वन प्लेटफॉर्म, एक नहीं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मगर एक प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग यहाँ काम करें और माल अपना बाहर बेचें। ये IT की वजह से एक आसानी हो गई कि औरत मर्द पढ़ाना भी चाहे तो लोग उर्दू जबान सीखने के लिए अमेरिका और उधर उधर कोर्सेज पाकिस्तानी असातिज़ा को रख लेते हैं होमवर्क के लिए। आज से 15-20 साल पहले इंडिया ने इस बात को अडॉप्ट किया कि उन्होंने होमवर्क के लिए भी अपने असातिज़ा को इनक्रेज किया कि वो करें। ये जो रेजिस्टेंसेज हैं माशरे के अंदर, इनको ख़त्म नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आजकल मैं एक बात पढ़ रहा था कि
टेक्नोलॉजी के हवाले से एडॉप्शन जो मुल्क जल्दी कर लेते हैं तो वहाँ चेंज बड़ी तेज़ी से आती है। आपको याद है ये प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुआ तो ग्यूटेनबर्ग बाइबल बड़ी मशहूर के 14वीं या 15वीं सदी में प्रिंट हुई। मुसलमान ये कहता था कि ये प्रिंटिंग प्रेस में अगर किताबें छपेंगी तो गुमराही फैलेगी, आम आदमी के हाथ में चली जाएंगी, तो 100-200 साल पीछे रह गया। इसी तरह से लाउड स्पीकर पर भी रेजिस्टेंस हुई। इसी तरह से मेडिकल साइंसेस के अंदर ह्यूमन एनाटॉमी के डिसेक्शन के हवाले से बहुत रेजिस्टेंस थी। यानी फ्रेडरिक द फर्स्ट था जिसने 14वीं सदी के अंदर या 13वीं सदी के अंदर कानून पास किया कि ह्यूमन एनाटॉमी के लिए डिसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी ज़रूरी है, है? मगर मुसलमानों के यहाँ भी और बहुत सारे एरियाज के अंदर 1826 में काहिरा के अंदर पहला ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी के लिए डिसेक्ट हुआ। इतना रेजिस्टेंस, तो 400 साल पीछे रह गई मेडिकल साइंस उस एतबार से। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो नई चीज़ें हैं इनको, इनका एडॉप्शन मेटा यानी फेसबुक ने ये काम किया कि उन्होंने वादा किया था, मुझे नहीं मालूम कि इस साल भी औरतों को लिंक करेंगी सेल्स फोर्स के साथ। तो 5,000 को उन्होंने ट्रेन किया था पिछले साल, इस साल उन्होंने वादा किया था कि 1,00,000 को ट्रेन करेंगे, मगर मुझे मालूम नहीं। आप इसका एहतमाम कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, लोन जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के हवाले से और यूथ के हवाले से जो लोन्स अवेलेबल हैं वो भी जितने अवेलेबल हैं उतने पूरे इस्तेमाल नहीं हुए, खास तौर पर औरतों में नहीं हुए। तो लिहाजा आप अपने चैम्बर के जरिए इन चीज़ों का एहतमाम करें कि गवर्नमेंट अगर कोई रास्ता तैयार करे, कोई सड़क बनाए, तो उसके अंदर आप उंगली पकड़कर उन लोगों का जो आप जैसे मशहूर नहीं है और आपने अचीवमेंट नहीं किया, तो उन लोगों को आप सिखाएं अपने यहाँ और करें। और इसमें यकीनन आप कर रहे हैं। जब मैं कोई बात आपसे कहता हूँ तो मुझे कभी कभी लोग ये कहते हैं ये भी हम कर रहे हैं, ये भी हम कर रहे हैं, ये भी हम कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क की एक तड़प है कि मईशत बेहतर हो। ये तड़प इस पेस पर हैंडल नहीं होगी जिस पेस पर हम और आप चल रहे हैं। इसमें पेस बढ़ाना, एक्सेलेटर पर पैर रखना बे इंतहा जरूरी है। दुनिया आपके लिए खुली हुई है। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि दुनिया आपके लिए खुली हुई है कि अगर आप स्किल सेट्स अपनाएं तो तिजारत के हवाले से छोटे छोटे ममालिक ने बड़ी तरक्की की विदाउट देयर ओन इन्वेस्टमेंट, विदाउट देयर ओन ह्यूमन रिसोर्स, विदाउट देयर ओन नेचुरल रिसोर्स। आजकल तरक्की यहां से होती है, सोच से होती है। आप रास्ते तलाश कर करेंगे। तो मैं इस चीज के साथ साथ आखिर में दो बातें आपने कही, एक तो चैम्बर्स को मुशावरत में शामिल किया जाए। मैं समझता हूं कि ये एक इंसानी कमजोरी है कि बहुत सारे लोग जिनमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होंगे, सियासतदान भी शामिल हैं और आप में से भी लोग शामिल होंगे जो समझते हैं हमें सब आता है, हमें मशवरे की जरूरत नहीं है। तो ये आदत जरा सी इंसानों के अंदर कम आ जाए, कम हो जाए, तो वो मशवरे लेना शुरू कर देंगे और मशवरों के बगैर कोई काम ठीक होगा नहीं। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने सैलाब के हवाले से भी जिक्र किया, तो इत्तेफाक है कि ये सैलाब 2010 से के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि जितनी फरहदली पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वो इन मौक़ों पर नज़र भी आती है, तो उसी फरहदली के साथ आप अपना हिस्सा डालें, हिस्सा आप खुद तयन करें, कोई और तयन नहीं करता। और जो आपने हमेशा तारीख में किया है, अगर मुझे पाकिस्तान की कौम पर फख्र होता है तो इन चीज़ों पर फख्र होता है कि ज़रूरत के वक्त वो अपनी जेबों में हाथ डालते हैं और बेइंतहा कार्य खैर करते हैं। ये आपका कमाल है कि ये जो दुनिया में लोगों के दिल बड़े कंजूस हैं। मैंने ये जज्बा शायद कहीं भी नहीं देखा। और मुझे आज तक याद है कि मैं शायद शिकागो में था कि 2006 या 7 के अंदर न्यू ऑर्लीन्स के अंदर सैलाब आया था, समुद्री पानी चढ़ गया था, तो लोग वहाँ पर भी खुद काम करने के लिए कम सोचते थे, ये सोचते थे कि सरकार पहुँचेगी। यहाँ पाकिस्तान का हाल ये है कि पिछले इस मरतबा जब जलजला आया तो लोगों ने गाड़ियों में सामान रख कर जनाब सड़कों पर चले गए, 10-10, 15-15 घंटे का ट्रैफिक जैम था। आप जैसे लोगों के लिए जिन्होंने दिल बड़ा कर अपने गाड़ी के अंदर सामान रखकर आप निकल खड़े हुए, आपका दिल बहुत बड़ा है। तो ये जो कैफियत आजकल कभी महसूस होती है कि बड़ा डिप्रेसिंग माहौल है, इस माहौल से निकले। आपका दिल बहुत बड़ा है कि जब अफगानिस्तान के महाजरीन यहाँ पर आए रेफ्यूजीज, तो आपने 40,00,000 रेफ्यूजीज को 40 साल तक रखा, जबकि आप जानते हैं कि यूरोप मेडिटेरेनियन में डूबने देता था, किसी को अंदर घुसने नहीं देता। अब यूक्रेन के लिए अच्छी बात है
कि यूक्रेन के लिए और उनका दिल खुला और उन्होंने महाजरीन को रेफ्यूजीज़ को उन्होंने रखना शुरू किया, मगर ये कैफियत है जिसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका दिल बड़ा है कंपेयर टू ऑल दोज कंट्रीज विच कम हमें नसीहत करते हैं कि ह्यूमन राइट्स ये है ह्यूमन राइट्स ये है, और तुम खुद ले लो नहीं लोगों को, दुनिया के अंदर हालात की खराबी पैदा करो और जब वहाँ हालात ख़राब हो जाए तो तुमको हमारी तो दीवारें ऊँची हैं, हम अपने यहाँ तो आने नहीं देंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इन बातों के साथ आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं ये वक्त की बात है, मगर जो कौम मस्बत अंदाज से काम करती रहे मेहनत करती रहे तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करेगा, और इंशाल्लाह आप वो कौम है जो चंद सालों के अंदर ये काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह।